Hello everybody I' am Dr. Lodi Kanis Fatma, head of the Department Political Science, JTR Science and Commerce College for Women Nasik. Dear listener, today I welcome to all of you in my lecture entitled Ambedkarism. but before to understand Ambedkarism I want to give brief history about Dr. B.R. Ambedkar. बी आर अम्बेडकर भीमराव राम जी अम्बेडकर पूरा नाम इनका था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट अम्बेडकर वॉज बॉर्न एट मो इन सेंट्रल इंडिया ऑन फोर्टीन अप्रैल एटीन नाइंटी वन हिज फादर वॉज अ मिलिट्री सर्विस हिज फादर वॉज इन मिलिट्री सर्विस एंड हिज वॉज टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स बेनिफिट्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोटीन अप्रैल एटी में माओ के मुकाम पर सेंट्रल इंडिया में जो है वहाँ पैदा हुए उनके वालि साहब मिलिट्री सर्विस में थे और जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में वो रोज़गार की उनका हासिल उनको मुहैया था आफ्टर रिटायरमेंट इज़ फादर Moved to Satara. In 1900, Ambedkar joined the government school at Satara. Being an untouchable by birth, Ambedkar was forced to sit separately in the classroom. He could not mix up with the other boys in their various games. The untouchables were prevented from learning Sanskrit. सो अम्बेडकर वॉज कम्पेयर टू लर्न पर्शियन ऑल्दो ही वॉन्टेड वेरी मच टू लर्न संस्कृत दिस ही एट्रीब्यूटेड टू द नैरो आउटलुक ऑफ द टीचर इस शॉर्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि एक दलित घराने में पैदा हुए अनटचचेबल फैमिली में पैदा हुए उनके साथ किस तरीके से सोशल इनिक्वालिटी बचपन से ही उनके स्कूल के ज़माने से ही उनके साथ की जाती थी बच्चे उनको अपने साथ डेस्क पे नहीं बिठाते थे आपस में टिफ़िन शेयर नहीं करते थे अपर क्लास के बच्चे जो हैं उनको हमेशा धितकारते थे इवन आप ये देखेंगे कि उन्हें संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक़ था लेकिन उन्हें संस्कृत पढ़ने से महरूम रखा गया और उसके बजाय शियन पढ़ने के लिए दिया गया उनके टीचर्स भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे नैरो आउटलुक ऑफ टीचर्स का ये देख कर उनको बहुत ही ह्यूमिलिएट हो रहा था बचपन से ही अम्बेडकर ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर करकर के परेशान हो चुके थे When his फादर शिफ्टेड from सतारा टू मुंबई हिज लाइफ चेंज अ लिटिल बिट तारा से जब बॉम्बे आए तो उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हुई इन बॉम्बे ही कुड मिक्स फ्रीली विथ अदर स्कूल बॉयज दो द फैमिली स्टे इन स्मॉल अपार्टमेंट ऑफ एट परेल विच वॉज ओवर क्राउडेड एंड हार्डली कंडक्टिव फॉर अ कम्फर्टेबल लाइफ इट प्रोवाइडेड हिम विथ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रॉडन हिज इंटलेक्चुअल हॉरिजोन हिस्स पेशेंस फॉर रिगार रीडिंग लेडिम टू मैनी ट्रिप्स टू पब्लिक लाइब्रेरीज़ एन बॉम्बे कुछ घरेली घरेलू माहौल की वजह से भी वो कंजेस्टेड एरिया में रहने की वजह से वो पब्लिक एरियाज़ में पब्लिक एरियाज़ में जो है जा कर अपनी स्टडी करते थे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा इस तरीके से उन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन बहुत ही तकलीफ दे तरीके से जो है कंप्लीट की लेकिन जब वो कॉलेज गए हिस पासिंग मेट्रिकुलेशन इट वाज़ अ हिस्टोरिकल एपोक इन अनटचेबल कम्युनिटी यहाँ हम देखते हैं कि जब वो कॉलेज की लाइफ में आए एल्फिस्टन कॉलेज में जब उन्होंने जो है एडमिशन लिया उस वक्त जो है उनको बहुत खुशी थी लेकिन कि वो बहुत ज़्यादा आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी वहाँ पर भी उनके साथ जो है टीचर्स की बस सुलूकी की वजह से उनको तकलीफ़ उठानी पड़ी देखिए बचपन में बचपन से लेकर कॉलेज की लाइफ तक के उन्होंने ही उठाई जिस हॉस्टल में वो रहते थे वहाँ का हॉस्टल कीपर वुड नॉट गिव हिम टी और वाटर दिस इज़ अ वेरी ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन होटल का कीपर जो है उन्हें ना चाय देता न पानी देता इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बड़ी मुश्किलों से इन द ईयर 1913 थर्टीन ही फिनिश हिज ग्रेजुएशन एंड डिसाइडेड टू वर्क इन बड़ोडा अंडर द महाराजा बड़ोडा में जो है दीवान की हैसियत से ये एक महाराजा के यहाँ मुकर किए गए जॉब पर गए लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ ह्यूमिलिएशन वहाँ पर जो है वहाँ के हायर ऑफिसर्स बड़ोडा के उनके साथ ऑर्थोडॉक्सी होने की वजह से ऑर्थोडॉक्स अपर कास्ट के हिंदूज़ होने की वजह से उनको दोवर कास्ट होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे यहाँ पर भी जो है उनको जहनी अजियत पहुँची ह्यूमिलिएशन हुआ तकलीफ़ हुई कि किस तरीके से सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के साथ कास्ट के बिना पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने जॉब छोड़ दी और जो है वो एब्रॉड चले गए वहाँ पर जाने के बाद ये उन्होंने वहाँ की एक फॉरेन में जो है इन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत ही आज़ादाना माहौल है लिबरलिज्म है इक्वालिटी है किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बड़े खुश हुए कि वहाँ की सिचुएशन हमारे हिंदुस्तान की सिचुएशन से बहुत ही अलग है उन्होंने उसी वक्त ये इरादा कर लिया कि मैं हिंदुस्तान लौट कर अपने लोगों को इमानसिपेट करवाऊँगा अपने लोगों को आज़ाद करवाऊँगा नॉट फ्रॉम द टेरनी ऑफ ब्रिटिशर्स बट ब्रहमिन्स क्योंकि उस ज़माने में कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था और हम ये देखते हैं कि एजुकेशन फ़ैसिलिटीज सिर्फ ब्रह्मिस को थी क्षत्रियस जो है वो वॉरियर हुआ करते थे वैश्यस जो है वो फार्मर हुआ करते थे और शत्रास को बिल्कुल भी लोअर काम दिया जाता था जिसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर में इनिक्वालिटी होने की वजह से और जो है यहाँ पर लोगों को जो है तकलीफ़ उठानी पड़ी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा ये महसूस किया मैं जो है हिंदुस्तान जाकर इस इसके लिए फाइट करूँगा इक्वालिटी के लिए जो है और जो है उसी के साथ साथ अपने लोगों को आज़ादी ह्यूमिलिएशन से जो है उन्हें निजात दिलवाऊँगा ये सोच कर वो हिंदुस्तान फिर वापस आए इसके बाद जो है उनके जो आइडियाज़ थे इस स्लाइड में आपको अम्बेडकरज़म क्या है वो मैं बताना चाहूँगी कि अम्बेडकरजम इज़ टुडे अ लिविंग फोर्स इन इंडिया एक जिंदा फोर्स है एक ताकत है हिंदुस्तान में मच एज मार्क्सिज़म जिस तरीके से कॉल मार्क्स से उसी तरीके से जो है मार्क्सम की जिस तरीके से जर्मन के लोग जो हैं और जो है आपके पूरी दुनिया में जो जिस तरीके से मार्क्सिज़म फैला हुआ है अम्बेडकरजम भी जो आज लिविंग फोर्स है डेफिनेटली आज ऐसा लिविंग फोर्स है कि हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में असेंबली में हर जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर जो है टांगी हुई है बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है तकरीर तस्वीर जो है सॉरी तस्वीर जो है वो पार्लियामेंट में आविजा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये मुकाम कहाँ हासिल किया कैसे हासिल किया ये जो है हम देख चुके हैं कि फ्रॉम लोअर कास्ट से आज जो थिंक हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया जा रहा था उन्हें ड्राफ्ट कमेटी में चेयरमैन मुकर किया उन्हें जो है उनको बता दिया उनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन मुकर किया गया और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को के ये बानी माने जाते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं तो इन्होंने ये पोजीशन कैसे हासिल की ये पोजीशन जो है इन्होंने अपनी मेहनत जद्दोजहद से हासिल की अपने कॉन्फिडेंस से हासिल की उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हमें जो है दुनिया कभी भी पीछे हरा नहीं सकती तो इसी तरीके से उनके जो आइडियाज़ हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है उनके ख्याल को अम्बेडकरज़म के नाम से जो है मंसूब किया गया है इट डिफ़ाइंस द आइडियोलॉजी ऑफ दलित मोमेंट पर्टिकुलरली इन्होंने दलितों के लिए काम किया इसीलिए जो है इनकी आइडियोलॉजी को दलित मोमेंट भी कहा जाता है टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड इवन ब्रॉडर एंटी कास्ट मूमेंट एंटी कास्ट मूमेंट अम्बेडकर व्यू ऑन इक्वालिटी हम देखेंगे इक्वालिटी मीन्स मसाव इक्वालिटी में बी अ फिक्शन बट नन द लिस्ट वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज गवर्निंग प्रिंसिपल अ मैंस पावर इज इनडिप इज़ डिपेंडेंट अपॉन अंबेडकर के ख्याल इक्वालिटी पे ये हैं कि कोई भी पर्सन फिज़िकली सोशल इनहरि इनहेरिटेंस तौर से देखें या जो है पेरेंटल केयर एजुकेशन थिंकिंग पावर एक्मलेशन साइंटिफिक नॉलेज हर एतबार से अगर हम देखें तो कोई भी दो फ़र्द एक जैसे नहीं होते हैं हर एक का सोचने समझने का तरीक़ा अलग होता है फ़िज़िकली भी हर कोई एक दूसरे से अलग है उसी के साथ साथ जो है जहनी सलाहियतें भी एक दूसरे के मुनफरद हैं लाइक्स और डिसलाइक्स भी एक दूसरे के अलग हैं एफर्ट्स अलग हैं ये तीन ऐसे एंगल्स हैं जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि कोई फ़र्द एक दूसरे से बराबर नहीं है लेकिन अंबेडकर ने यहाँ पर जो इक्वालिटी का कंसेप्ट दिया है वो क्या है ये मैं बताना चाहूँगी कि इक्वालिटी मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल इन सोसाइटी इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड दैट इज़ द इक्वालिटी अम्बेडकर का यही कहना था कि इक्वालिटी जो है वो समाजी सियासी माशी तालीमी हर मैदान में हर फर्द को मिलनी चाहिए न कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कास्ट की बिना पर उसे हम इक्वालिटी नहीं कहेंगे अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसी प्रोवाइड करनी चाहिए है वो ब्राह्मीन हो या शुद्रा हो तो उसी वक्त हम कहेंगे कि रियल डेमोक्रेसी है उसी वक्त अंबेडकर मानेंगे मानते हैं कि इक्वालिटी है इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम आते हैं अंबेडकर के व्यूज ऑन रिलीजन एंड कास्ट पर कास्ट और रिलीजन इट इज पिलर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कास्ट की बेटी कास्ट को कास्ट का वोट कास्ट को मजहब के नाम पर वोट बांटे जाते हैं कास्ट के नाम पे वोट बांटे जाते हैं मजहब के नाम कास्ट के नाम पर जो है शादी ब्याह में रुकावटें आती हैं सोशल जो है बहुत सारे जो है आपके देखेंगे कि समाजी तौर से बहुत सारी रुकावटें आती हैं मजहब और कास्ट के नाम पर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और रिलीजन और कास्ट पर डिपेंडेंट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं जस्टिफाई करते हैं कि कास्ट वॉज एडिक्वेट विथ हिंदू रिलीजन एंड ही कंसिडर कास्ट नॉट ओनली एन एनऑर्किनिज़म बट अनजस्ट एंड दरफॉर अनएथिकल कास्ट जो है अनएथिकल है ही सेड रिलीजन शुड अबो ऑल बी अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल रिलीजन जो है अखलाकी असूलों पर बेस रहता है दैट वुड सस्टेन सोसाइटी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए मज़हब बहुत इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है कास्ट डिड नॉट प्रोवाइड दिस प्रिंसिपल इनफैक्ट इट निगेट्स दैम इन एवरी वे कास्ट के नाम पर हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रमिनेशन होते हैं ये गलत है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कास्ट के ख़िलाफ़ लड़ाई की कि इज़म नहीं होना चाहिए कास्टम की बिना पर लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही ही थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उसके ख़िलाफ़ थे अम्बेडकर के व्यूज़ हम कुछ डेमोक्रेसी पे देखेंगे कि अम्बेडकर बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी वॉज़ इनकन्सटेंट विद द प्रेजेंस ऑफ सप्रेस क्लासिस इन सोसाइटी डेमोक्रेसी डेमो मीन्स पीपल क्रेसी मीन्स पावर अम्बेडकर का ख़्याल डेमोक्रेसी पर यानि आवाम के हाथ में पूरी तरीके से जमहूरी नज़्म में पावर होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फ़र्द पूरी तरीके से आज़ाद होता है तो उसे किस तरीके से जो है अपना डेवलप करने का मौका डेवलपमेंट का मौका मिलता है अंबेडकर ये बात मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है बहुत सारी जो है फ़र्द अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं जबकि जो है मनार्की सिस्टम में एरिस्टोक्रेसी में डिक्टेटरशिप में ये पॉसिबल नहीं था डेमोक्रेसी में अंबेडकर कहते हैं कि वन पर्सन कैन डेवलप हिज और हर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू देअ टैलेंट उनका ये कहना है कि अस्ट्रोंग अपोजिशन इक्वालिटी बिफोर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अ स्ट्रोंग एंड एक्टिव मॉरल सेंस इन सोसाइटी एंड द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक कंसाइंस वे आर ऑल्सो एसेंशियल प्रीरिक्विज़िट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जिसके लिए हम ये देखेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि डेमोक्रेसी अपनी जगह पर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन डेमोक्रेसी में भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना लाजमी है ताकि रूलिंग पार्टी अपनी किसी भी तरीके से मोनोपोली ना कर सके उसी के साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए मिन्स कानून की निगाह में सब बराबर नो बडी इज़ अबो द लॉ ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ़ लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड रेस रिलीजन लैंग्वेज सेक्स एंड स्टेटस हर कोई बराबर है किसी के साथ कोई भी तफरीक न की जाए तो सही में रियल डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट होना चाहिए डेमोक्रेसी में माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट सक ट्रुथफुल होने चाहिए ईमानदार होने चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए तो जमहूरियत कामयाब होगी उसी के साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने जो है हर एक को उसके स्टेटस uh, के मुताबिक प्रिविलेज़ दिए हैं बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का है सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन यहाँ किया जाता है हमारे मुल्क का कोई मज़हब नहीं हमारे रियासत का बल्कि हमारे लोगों के मज़हब हैं और हर मज़हब को इक्वालिटी दी गई है हर मज़हब के साथ इक्वल रिस्पेक्ट किया जाता है ड्यू टू अ सेक्युलर नेशन डेमोक्रेटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसी के साथ साथ जो है डेमोक्रेसी में पब्लिक को आज़ादी मिलनी चाहिए और जो है जमहूरीत की कामयाबी उसी पर है कि जब जो है जमहूरी निज़ाम में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहें उस वक्त हमारी जमहूरियत कामयाब होगी और जमहूरीत की कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ है पर्सन का एजुकेटेड होना क्योंकि तालीम से इंसान की तमाम तर सियाही दूर हो सकती है इंसान अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है हर ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर अचीव कर सकता है ओनली ड्यू टू द एजुकेशन This is my brief description of Ambedkar's view on democracy. Thank you very much.